दोस्तों, आज है हमारे साथ रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के बहुत ही वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर शमीना खान जी, डायरेक्टर सनराइज हॉस्पिटल की। और आज हम उनसे जानेंगे गर्भावस्था के बारे में कि गर्भावस्था में एक महिला को क्या करना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए, कैसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो मैम, आप हमें थोड़ा बताइए कि गर्भावस्था की जो ये है अवस्था, इसमें एक महिला को क्या क्या ध्यान देना चाहिए। जो ये गर्भावस्था में हम महिलाओं को देखते हैं उसको हम लोग एंटीनेटल केयर कहते हैं, ठीक है। तो उसमें मरीज जो प्रेग्नेंट हो जाती है वो अपने डॉक्टर को आके दिखाती है, उसमें हम लोग उसका उसके बारे में हिस्ट्री लेते हैं और उसका एग्जामिनेशन करते हैं और फिर उसके बाद उसको एडवाइस करते हैं। जो इसका एम देखा जाए कि हम करते ही क्यों हैं, ज़रूरत ही क्या है। पहले तो ज़माने में लोग नहीं करते थे, लेकिन उसकी ज़रूरत ये है कि अगर कोई हाई रिस्क चीज़ है, जैसे अनीमिया है, बीपी की परेशानी, प्रीएक्लेम्पसिया है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, कोई भी चीज़ है, तो वो हमें डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको स्क्रीन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इसको ये चीज़ है और उसके हिसाब से उसको दवाइयाँ दे सकते हैं, उसको आगे की परेशानियों से मुक्ति दिला सकते हैं। अब जैसे कोई एक सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में और स्पेशली हिंदुस्तान में जो मरीज है वो कभी HIV की जांच नहीं कराना चाहता, या कभी वो ये चाहता है कि हमारे लिए सोशल स्टिग्मा हो जाएगा, लेकिन यहाँ वो ये नहीं समझ पाता कि ये जांच हम इसलिए कराते हैं ताकि उससे उसके बच्चों को ना हो या उसका क्या प्रिकॉशन ले सके। अगर वो आके हमारे पास मिलेगा ही नहीं तो हम उसे क्या समझाएंगे। और इस समय जो एंटीनेटल केयर है उसमें हम लोग उसे ये भी बताते हैं कि उसे क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है और क्या प्रिकॉशन लेना है। और ये भी बताते हैं कि ये डिलीवरी से लड़कियां पहली बार जब प्रेग्नेंट होती हैं, पहला बच्चा होता है तो वो घबराती हैं, तो उनको ये बताते हैं कि ये फिजियोलॉजी है, नॉर्मल चीज़ है, इससे परेशान ना हो, डरे नहीं। फिर उनसे डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर डिलीवरी होगी, कैसे होगी, किस मोड से डिलीवरी होगी, बाद में आपको डिलीवरी के दौरान क्या इम्यूनाइजेशन लेना है, डिलीवरी के बाद आपको बच्चे के लिए क्या इम्यूनाइजेशन लेना है। ये सारी जानकारी हमें इसी समय मिलती है जब वो घर उसका ठहर जाता है उसके बाद ही। मतलब अगर हम देखें, अगर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अगर पूरा मिला के ये एंटीनेटल केयर का अगर देखा जाए तो हमारा एम या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक अच्छा हेल्दी बच्चा एक हेल्दी माँ से जन्मे, ये हम चाहते हैं। कितनी बार एक महिला को गर्भावस्था में आना चाहिए डॉक्टर? अमूमन अगर नॉर्मल पेशेंट है तो उसको हमने जैसे बता देते हैं कि ये प्रेगनेंसी 40 हफ्ते का मानते हैं हम, ठीक है। उसमें 28 हफ्ते तक तो उसे हर महीने एक बार आना है अपने डॉक्टर से मिलने, जब तक कि कोई हाई रिस्क कोई परेशानी ना हो। अगर कोई परेशानी वाली है, जैसे डायबिटीज है, कोई हाइपरटेंशन है, तो हो सकता है उसे 15 दिन में बुलाए, लेकिन वैसे एक महीने में सफिशियंट है, ठीक है। एक महीने में 28 हफ्ते तक, यानी 7 महीने तक उसे आना है हर महीने। उसके बाद 7वें महीने के बाद 9 महीना लगने तक हर 15 दिन में आना है, और जब 9वां महीना लग जाता है यानी 36 वीक्स के बाद, तो उसे हर हफ्ते आना चाहिए अपने डॉक्टर से मिलने, यही सही तरीका है। लेकिन अगर आपका पेशेंट बहुत रिस्क वाला है तो आप उसे जल्दी जल्दी भी बुला सकते हो, लेकिन ये लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि भाई हम क्या कितनी बार जाएं, डॉक्टर बार बार बुला रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आपको कोई परेशानी है तभी आपका डॉक्टर बार बार आपको बुलाएगा। मैम, आपने जिक्र किया इम्यूनाइजेशन का, हाँ, क्या होता है इम्यूनाइजेशन? मतलब ये है कि हम लोग प्रेगनेंसी में टीके लगाते हैं, टेटनस टॉक्सोइड, ताकि टेटनस ना हो। उसके लिए महिला अमूमन उनको चौथे महीने में आ जाना चाहिए, आके एक टीटी का इंजेक्शन लेना चाहिए। अब तो घर घर आशाएं और सरकार की तरफ से टीटी लगने लगा है, तो ये जो है एक चौथे महीने में लग गया, फिर एक महीने के बाद लगता है दूसरा। लेकिन अभी जो है दूसरा जो डोज है टीटी का, उसको हमने टेटनस टॉक्सॉइड को हटा के हल्की टी डैप दिया है, और मुझे लगता है कि वही लगवाना ज़्यादा बेहतर है और लोगों की इस बारे में जागरूकता होनी चाहिए कि पहले हम लोग एक टीटी लगाते थे फिर दूसरा ही टीटी लगाते थे, लेकिन आप जो है शुरू में तो हम एक टीटी लगा देते हैं और फिर 36 वीक्स पे हम एक टी डैप इंजेक्शन लगा देते हैं जिसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूसर्स का भी वैक्सीन होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो किल्ड वैक्सीन है, ठीक है, जो मरे हुए उससे बनाए जाते हैं, वो आप यूज कर सकते हो
लगा सकते हैं, उससे कुछ खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर लाइव वैक्सीन है तो जैसे रूबेला है, दूसरी चीजें, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। गर्भावस्था में महिला को खाने पीने का कैसे ध्यान रखना चाहिए? खाने पीने का मैं ये कहूँगी कि बहुत हैवी ऐसा नहीं है, कि कुछ जगह पे मैंने देखा है कि घर वाले बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हैं और बहुत ही देने लगते हैं। बस उसे 300 किलो कैलोरी अपनी बढ़ानी है, जो भी वो खाती थी उस पर 300 किलो कैलोरी बढ़ा लो। ठीक है, ऐसा नहीं है, हर आदमी के खाने का ढंग अलग है, तो वो अपने ही ढंग में कुछ चीज़ें ऐसी ऐड कर ले, जैसे फल फ्रूट वगैरह ज़्यादा ले सकता है, सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा ले सकती है, दूध जरूर ले, अंडा ज़रूर ले, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो मछली और क्या कहते हैं मीट और ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बोले, ये नहीं है कि मैंने बहुत बार देखा है कि स्पेशली जो मदर इन लॉज आती हैं साथ में, तो वो ज़रूर चाहती हैं कि बहू मेरी ये खा ले वो खा ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें वज़न कितना बढ़ाना है, प्रेगनेंसी में हमें वज़न सिर्फ 11 किलो बढ़ाना है। अगर देखा जाए तो पहले 3 महीने का 1 किलो, फिर बीच के 3 महीने का 5 किलो, फिर आखिरी का 3 महीना 5 किलो, 1 किलो 5 किलो 5 किलो, तो टोटल 11 किलो हो गया। और या अगर और अच्छी भाषा में आप समझना चाहते हो तो शुरू का 3 महीना आप हटा दो, उसके बाद 2 किलो पर मंथ उसको बढ़ना चाहिए, हर महीने 2 किलो वजन बढ़ना चाहिए। तो ये इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका डायबिटीज पेशेंट है तो आपको तब रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उतना वजन 11 किलो नहीं चाहिए, हमें शायद 9 किलो से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको आपका डॉक्टर ही बता सकता है, उसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। मैम, आजकल कुछ महिलाओं के मन में बात रहती है कि एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कौन सी करनी चाहिए? हाँ, एक्सरसाइज का ये है कि वो महिलाएं जो है ये सोचती हैं आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो अब हम आराम करें लेते रहें, ऐसा नहीं। उनको जो है वॉकिंग तो करनी ही चाहिए, है ना, बहुत स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज ना करें, लिफ्टिंग हैवी वेट्स या जिम जाते हो वैसा नहीं, लेकिन हाँ वॉकिंग करें, कम से कम वो आधा घंटा हर रोज़ वॉक करें, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, बाकी सामान उठाना और ये सारी चीज़ों को वो अवॉइड करें, खड़े होके बहुत देर तक कोई काम कर रहे हैं वो ना। ऐसे ही उनके रेस्ट के लिए अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो मरीज आते हैं वो ये पूछते हैं कि जी कब सोएं क्या करें, तो उसके लिए ये है कि उन्हें 8 घंटा सोना है, 8 घंटा सोना है। और शायद प्रेगनेंसी में ऐसा थोड़ा बेचैनी भी रहती है, बहुत से मरीज नहीं सो पाते हैं, तो दोपहर में कम से कम 2 घंटे वो लेटें, है ना, या सोने की कोशिश करें, आराम करें, और रात में 8 घंटे, देखा जाए तो टोटल 10 घंटे हो गए, लेकिन 8 घंटा तो उन्हें आराम करना ही चाहिए। अगर कोई आज की जो जनरेशन है, जैसे हम लोग हैं, काम करने वाली महिलाएं हैं, वो बीच में छुट्टी नहीं ले सकती, नहीं जा सकती, तो वो क्या करें, वो अपने ही ऑफिस में या वहीं पे अगर उनका कुछ इंतज़ाम हो जाए, पाँव अगर उनका बहुत देर तक नीचे लटक रहा है तो चेयर रख के उसके सामने अपने पाँव को रख लें, थोड़ा रेस्ट रखें, तो दोपहर में रेस्ट करना वो भी बहुत ज़रूरी है, और अच्छा सोना भी बहुत ज़रूरी है एक गर्भवती महिला को। कुछ महिलाओं का सवाल रहता है कि क्या हम करवट ले सकते हैं, किस करवट सोना चाहिए? नहीं, बाएं करवट सोना चाहिए, क्योंकि हम लोग सारे मैं तो डॉक्टर हूँ या जो डॉक्टर फील्ड से होंगे वो जानते होंगे कि हमारी जो बच्चेदानी है वो दाहिनी तरफ को थोड़ी सी टिल्ट है, थोड़ी सी झुकी सी है, तो उसको सही रखने के लिए हमें बाएं साइड लेना चाहिए, उससे सर्कुलेशन जो है वो अच्छा होता है। और दूसरी बात यह है कि मरीज का बीपी सडन फॉल नहीं होता है, मतलब उसके कई फायदे हैं, एक तो सर्कुलेशन बढ़ गया, यूरिन आउटपुट अच्छा हो जाता है, पेशाब अच्छा होता है, उसके बाद बीपी की परेशानी नहीं होती, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये देखा जाए तो उन्हें बाएं करवट ही लेटना चाहिए और पाँव के बीच में तकिया फंसा दें, सबसे सही तरीका ये है। मैम, आपने जिक्र किया था कि हम कुछ जाँचें कराते हैं, तो किस तरह की जांचें रहती हैं या क्या कुछ जांचें ऐसी हैं जो हर महिला को करानी चाहिए? जांचें जो है रूटीन जांचें होती हैं, जिसमें एक हीमोग्लोबिन का जानना, ABORH ब्लड ग्रुप का जानना, और बगाया यूरिन RM पेशाब में यूरिन की जांचें नॉमिनल होती है, वो चीज़ कराना। अब इंडिया में तो GCT भी कराना, यानी डायबिटीज
भी इतना ज्यादा है कि उसको कराना, और थायराइड का भी T3 T4 TSH कराने लगे हैं। और बाकी अगर आप ये देखो कि जो आपके अल्ट्रासाउंड है और ये सारी चीजें, ये स्पेशल जांचें हैं, ये भी हम कराते हैं पेशेंट्स के अपने। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार आ रहे हैं और हर बार जांच करा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ जांचें ऐसे हैं जैसे वायरल मार्कर, यानी HIV HBC GHCV, ये चीज़ें तो हम लोग एक बार कराते हैं या फिर एंड में फिर से दोबारा रिपीट करा लेते हैं, या कभी कभी नहीं भी कराते हैं। ये चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और मरीज जाँचों के लिए परेशान ना हो। छुटपुट जाँचें होती हैं, बहुत ज़्यादा उसका कोई खर्चा नहीं है कि हम ना कराएं और बहुत बड़ी सी चीज के ना हमारा, कैसे नहीं हो। प्रेगनेंसी में जाँचें बहुत कमी होती है। प्रेगनेंसी में आपने जैसे बताया कि हम कैलोरी इंटेक बढ़ाते हैं, तो क्या कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं कि हमें लेनी चाहिए? कैलोरी इंटेक नहीं, हम लोग बोलते हैं आयरन सप्लीमेंटेशन होना चाहिए। क्योंकि कोई कितना भी अच्छा खाना खाए, डाइट में कितना भी अच्छा खाए, आयरन का अब्जॉर्प्शन सिर्फ 10% होता है। अगर मान लो मैं 300 खा रही हूँ तो उसका 10% 30 ग्राम आयरन पर 30 MG है। तो इसलिए आपको करना पड़ेगा। ये यहाँ इंडिया के लिए नहीं, अमेरिका में हर जगह पे आयरन सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको बच्चे की ग्रोथ के लिए आयरन जो है ब्लड में, ब्लड बनाने के लिए आपको आयरन की जरूरत है। और डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग होगी या फिर डिलीवरी के बाद या सीजर, तो वो चीज़ें कहाँ से आप करोगे? तो आपको अपना स्टोर तो जमा करके रखना पड़ेगा। तो इसलिए ये आयरन इनटेक इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और जो आप सपोज अगर मान लीजिए महिलाओं को वैसे भी आयरन की कमी रहती है, वो चीज़ आपको आयरन तो लेना ही है। आयरन है, कैल्शियम है और फोलिक एसिड है, ये तो नॉर्मल ड्रग्स हैं जो हर महिला को ही चलेगा। आपने जिक्र किया कि हम हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो एग्जामिनेशन में कैसा रहता है? अरे हम उनकी पहले तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पल्स बीपी वगैरह देखते हैं, फिर देखते हैं पाँव में सूजन वगैरह के बारे में ज़्यादा हम कंसर्न रहते हैं, क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसका हम जरूर देखते हैं। वजन अचानक से बढ़ जाना किसी का, और जो अगर मान लो सूजन है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाना, ये चीज़ें निशानी है कि प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ रहा है, ठीक है? तो वो एग्जामिनेशन, फिर बच्चे के बारे में पेट से एग्जामिन करते रहते हैं या देखते रहते हैं कि बच्चा सही से हमारा ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है? और आपको अपने हाइजीन के बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए। रोज नहाओ, गर्म पानी का इस्तेमाल आप मत करो, और खाने भी मतलब रेगुलर बाउल मूवमेंट, पेशाब और जो बाउल है वो बराबर सही होते रहना चाहिए। लेकिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा पानी पिए, और उसके बाद हरी साग सब्जियाँ वगैरह खाएं। अपने उसमें डाइट में ज़रूर मिल्क लें, दूध ज़रूर लें। कभी कभी एक और है, ब्रेस्ट का केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्रेस्ट का केयर इसलिए ज़रूरी है कि अब उसे लैक्टेशन कराना है, आगे बच्चों को दूध पिलाना है, तो उसकी भी साफ़ सफाई रेगुलरली होनी चाहिए। फिर मैंने आपको एक्सरसाइज के बारे में बताया ही, फिर कुछ महिलाएँ हमारे पास आती हैं, लड़कियाँ आती हैं जीन्स टाइट वाइट पहन के, बिल्कुल तो टाइट ड्रेसेस ना पहने, लूज ड्रेस पहने प्रेगनेंसी में, क्योंकि तो उससे भी उनको प्रॉब्लम होगी। और हाई हील पहनती हैं, हाई हील ना पहने, अगर एल्कोहल स्मोकिंग और ये सारी चीज़ें हैं तो प्रेगनेंसी में उनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? और एक और चीज़ जो महिलाएँ हमेशा हमारे क्लिनिक में आती हैं, हॉस्पिटल में आती हैं, जरूर पूछती हैं, वो ये है कि क्वाइटस के बारे में, कि भाई हम अपने संबंध बना सकते हैं नहीं, तो चीज़ के लिए उनको ये याद रखना है कि बिल्कुल प्रेगनेंसी कोई ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, बना सकती है, मगर उनको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पहले 3 महीने ना रखें संबंध, ताकि उसमें क्योंकि अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं, और आखिरी के 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने, तो 3 महीने इधर 1.5 महीने आखिरी के टाइम पर ना रखें, वो समय भी जल्दी डिलीवरी होने का खतरा रहता है। इसलिए जो है हमें उनको क्या कहते हैं कि बता, ऐसे क्या खतरे हो सकते हैं जिनके लिए कि तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर एक महिला को अचानक से एकदम से हेडेक होने लगे, ठीक है, ब्लीडिंग होने लगे, आंखों के सामने धुंधला सा दिखने लगे, कोई चक्कर आए, या चक्कर मतलब अमूमन छोटा चक्कर नहीं,
या जैसे कन्वर्जन फिक्स आने लगे या फिर बुखार बहुत आ रहा है, तो वो सभी कंडीशंस में उनको तुरंत इमीडिएटली अपने डॉक्टर्स को अप्रोच करना चाहिए। धन्यवाद मैम, आपने हमें इतना इतना ज्ञान दिया गर्भावस्था के बारे में, हमारी जनता को बहुत जानने को मिला। थैंक यू।